हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज DSSB का PRT का एग्ज़ाम हुआ था उसके जो फर्स्ट पार्ट है उनके कुछ पोर्शन है वो हम सॉल्व करेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जनरल अवेयरनेस जो है सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए जनरल अवेयरनेस। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो आंसर मिला सकते हैं, ठीक है, पता चल जाए कितने सही हुए हैं कितना हुआ है। बाकी एक दो क्वेश्चन का वेरिएशन रहता है वो आपको जब फाइनल आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की आएगी, उससे आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो 95% जो है क्वेश्चन के आंसर जो होंगे सही यही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन। हमें जो इसमें से राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जो है फॉर्मिक एसिड जो प्रोड्यूस करती हैं, बोथ आर राइट बोथ आर रॉन्ग। तो ये जो है बोथ आर राइट, इसका जो आंसर है सी आंसर है। इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है आपको जो आंसर चेक करने, तो आप आंसर चेक आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ बुक इंडिया आफ्टर गांधी इज रिटन बाय। एक बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, तो किसने लिखी? ये रामचंद्र गुहा जो है इन्होंने ये लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, मून जो है सोलर सिस्टम का है, और जो ये भी कहते हैं इसको, ठीक है, शूटिंग स्टार जो है उसको कहा जाता है एस्ट्रॉइड। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, बाकी बेसिकली इसका आंसर जो होना चाहिए बी आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आईलैंड नेशन मालदीव्स इज लोकेटेड इन। ठीक है, जो मालदीव है कहाँ वो लोकेटेड है, वो क्या है? इंडियन ओशन में लोकेटेड है। इसका आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है फर्स्ट ऑफ इंडिया जो है कितना है? 82.5 जो है ईस्ट। इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इन विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रो। इसका जो है कहाँ से पास होता है? वो अफ्रीका से पास होता है। इसका आंसर जो है सी आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप इज कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट। ठीक है, मानसून फॉरेस्ट जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? जो यह डेसीडियस जो है फॉरेस्ट, इसका आंसर जो है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज कॉल्ड मॉन्टगू चैलमोस्ट फोर्ड रिफॉर्म जो है कि ये हुआ था 1999 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अफेक्टेड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ अफेक्टेड नहीं होती है? ये भी क्या है? ये एंथ्रेक्स ट्यूबरक्लोसिस, ये भी है, कोलेरा भी बैक्टीरिया है, जो इसका रूबेला है ये एक वायरस से होती है। इसका जो आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ द बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम Na2CO3 जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। उसका फार्मूला क्या? हम बेकिंग सोडा भी उसको कहा जाता है। चलिए हिंदी वाला है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर केमिकल चेंज ऑफ सब्सटेंस। जो केमिकल चेंज जो है ये एग्जाम्पल है, कौन सा इसमें एग्जाम्पल है? ठीक है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट एग इनटू ऑमलेट, नहीं, जो रस्टिंग ऑफ जो जंग लगती है लोहे में, जो जंग लगती है वो क्या है? एक केमिकल जो है चेंज है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा इज कॉल्ड सुमोंड बाय। तो इसका जो आंसर होगा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी जो है, इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन डिफरेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, इसका आंसर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री मेजर ऑफ प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री जो है, इसका जो प्राइम मेरिडियन हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट कौन सा है? एंडस जो है, इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थॉर्नी टाइप ऑफ फॉरेस्ट। थॉर्नी टाइप ऑफ फॉरेस्ट का कौन सा इसमें एग्जाम्पल नहीं है? जो ये है कौन सा? रेड सेंडर्स जो है, इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर फोल्ड माउंटेन का जो एग्जाम्पल है कौन सा है? हिमालय भी है, अरावली भी है, उरल भी है, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन मंथ। ठीक है, हर एक मंथ जो है ईयर के
जो मंथ में मनाया जाता है, कौन सा, फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर के उसमें मनाया जाता है। नेक्स्ट है पतनवाड़ी इज द सीप ब्रीड नॉन फोर इज होजरी वूल क्वालिटी इज नेटिव, जो क्या है गुजरात जो है इसमें, आंसर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन, कौन सा इसमें राइट ऑप्शन है, ऑनकोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, बिल्कुल सही है, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ द स्किन ऑफ द डिजीज, ये सारी जो हैं जनरल स्टडीज ही मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है उसमें, जितने भी बायो से रिलेटेड जितने भी स्टडी की जाती है उनको क्या कहते हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो जो है इसका आंसर जो है बहुत दोनों राइट हैं इसका, सी सही है इसका। चलिए ये तो थे तुम्हारी जनरल अवेयरनेस के, और हम और एक पार्ट और देख लेते हैं हम लोग इसमें, हिंदी का देख लेते हैं ना, मैथमेटिक्स हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। हिंदी का और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी देखो क्वेश्चन दिया इसमें 61 जो है हिंदी का, ये मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता क्या है, पढ़ता है का पद परिचय दीजिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो मोहन जो है पुस्तक पढ़ रहा है, वो क्या सकर्मक क्रिया है, ठीक है, और क्या कृतवाच्य है, वर्तमान काल, ठीक है, पढ़ता है वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एक वचन है, इसका कर्म क्या है, पुस्तक है, तो इसका आंसर जो है ए सही होगा। नेक्स्ट है सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति जो है सिंगार रस का स्थायी भाव है। बल शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन सा है, प्रबल जो है बी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, कितने पत्र लिखे जाएंगे, दो पत्र जो है लिखे जाएंगे, मतलब कृतवाच्य कौन सा होगा, लिखेगा वो जो है दो पत्र लिखेगा, आंसर जो है इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, ठीक है, सुमेलित कीजिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका जो आंसर है डी जो है इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके हृदय में ममता न हो उसको क्या कहते हैं, निर्मम क्या है, निर्मम जो है इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट बकरी है, बकरी क्या है, मिमियाती जो है बकरी है, इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए ऊँटों का, ठीक है, ऊँटों का टोली टू का है टू, हाँ इसका सी आंसर जो है सही होगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम कौन सा, कोई ये भी सर्वनाम है, आप तुम ये भी सर्वनाम है, नहीं जो है ये सर्वनाम है नहीं, सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा की जगह पर यूज़ करे जाते हैं। नेक्स्ट है मोहन गाता है, वाक्य में संबंधित वर्तमान काल में क्या है, मोहन गाता होगा, जो है इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते हुए यूं पार्थ के दो बूंद आंसू गिर पड़े, मनो हुए दो सीपियों से व्यक्त दो मोती बड़े, इनमें से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, प्रतीत हो रहा है इसमें, जो आंसर है ए सही होगा इसका। लंबा है उधर जिसका लंबोदर, ये क्या है, बहुविरी समास श्री गणेश जो है, जो थर्ड उसका जो निकल के आए, जो अर्थ निकल के आए वो उसका आंसर है। अशुद्ध वाक्य पहचानिए, अशुद्ध पिताजी पुस्तक लाए हमने तुमको देखा, दिनेश ने पत्र लिखा, जो इसमें है गायत्री ने गीत गाया होता है, तो ये आंसर इसका अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य उदय यह कौन सी संधि है, तो इसमें क्या है ऊ, ठीक है, जो है गुड़ संधि, हाँ नहीं इसमें गुड़ संधि होगी, ये जो है इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मंजरी जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है कृतक शब्द का विलोम शब्द के रूप क्या है, कृतक शब्द का विलोम शब्द रूप क्या है, जो है यह है कृतघ्न, जो है आंसर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्या सुमेलित कीजिए, ठीक है, आग बबूला अत्यधिक क्रोधित, ठीक है, और इसका टू का ए हो जाएगा, ठीक है, तो थ्री का जो है आ, इसका आंसर बी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, बुनाई आई जो है इसमें डी आंसर इसका सही होगा। सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है सादगी, जो है क्या सादगी क्या है, भाववाचक। नदी से
पद का बहुवचन रूप क्या होगा नदियों से, जो है आंसर इसका ए सही है। ये थी हिंदी, चलिए इंग्लिश, इसमें इंग्लिश का और पार्ट हम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट है इसमें इंग्लिश का देख लेते हैं हम लोग। ये है विच पार्ट ऑफ स्पीच डू द अंडरलाइन वर्ड्स स्नो, तो ये क्या है, ये एक एडवर्ब है, इसका जो आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है माई हाउस इज राइट डाउन दिस स्ट्रीट, डाउन क्या है, प्रीपोजिशन है, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट क्लाउज फॉर द गिविन सेंटेंस, करेक्ट क्लाउज हमें जो है बताने हैं इसमें, तो द मैन हूज हाउस वाज बर्न डाउन लेफ्ट द विलेज, मैन जो है मैन हूज हाउस वाज बर्न डाउन लेफ्ट द विलेज, तो है क्या, एडजेक्टिव क्लाउज है, इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है दिस इज द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट हैपन्ड, जो एक्सीडेंट हुआ ये भी क्या है, एडजेक्टिव एक क्लाउज है, इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, ठीक है लॉन्ग डिस्कशन द प्रॉब्लम, लॉन्ग डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम भी हो सकता है इसका, लॉन्ग डिस्कशन अबाउट द प्रॉब्लम, तो इसके दोनों जो हैं आई थिंक इसके दोनों आंसर जो सही लग रहे हैं, बाकी जो फाइनल पता चलेगा वो ऑफिशियल आंसर के आने के बाद कन्फर्म हो जाएगा, दोनों में डाउट है। नेक्स्ट है अ टीचर मस्ट हैव कंट्रोल हिज क्लास, अ टीचर मस्ट हैव ओवर हिज कंट्रोल, अ टीचर मस्ट हैव कंट्रोल ओवर हिज क्लास, जो है इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ सेंटेंस, हमें देखना है व्हेन द बॉयज सॉ द वुल्फ ही रैन अवे, तो एक कंपाउंड जो है क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जो आंसर सी होगा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट है आई अराइव्ड आया द बिग डॉग स्टार्टेड बार्किंग, जो है कुत्ते जो है भूसने लगे, ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम फ्रॉम द गिविन ऑप्शंस, ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ दिस फिल्म आर अबव बोर्ड, जो अबव बोर्ड क्या है, ऑनेस्ट एंड फ्रेंक, जो है इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है 90 मिस्टर चावला इज अ मैन ऑफ पार्ट एंड कैलिबर, तो ये मैन ऑफ पार्ट जो किसका क्या है, ईडियम्स ऑफ सुपीरियर एबिलिटी, जो है इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, ही इज न्यूटन ऑफ द आवर डे, न्यूटन द है इसमें, ही इज द न्यूटन, मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो एग बाय डजन, जो इसका आंसर जो है डी, इसका आंसर आई थिंक इसका डी सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच हमें ढूंढनी है, द कैमल इज द सिप ऑफ द डेजर्ट, तो क्या एक मेटाफर है, कैमल इज द सिप ऑफ द, मतलब इसमें जो है कैमल को कहा क्या, क्या कहा, सिप कहा गया, एक नॉन लिविंग चीज़ कहा है, सो इसका जो आंसर होगा मेटाफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये क्या है, एक ऑक्सीमोरोन है, इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस 95 हु डिड दिस मिसचीफ, ठीक है बाय whom वाज दिस मिसचीफ डन, इसका आंसर ए सही होना चाहिए, इसका ए सही लग रहा है। नेक्स्ट है डू नॉट शूट एट देम स्टॉप shouting at them, let they not be shouted upon, you are commanded not to shout at them, आंसर जो है इसका डी सही है। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू इनडायरेक्ट स्पीच, माई मदर सैड अर्थ इज द ओनली प्लानिट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, इसका आंसर जो है सी सही है, माई मदर सैड द अर्थ इज द ओनली प्लानिट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। नेक्स्ट है आई सेड सी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2000, तो इसका आंसर होगा डी सही होगा, आई सेड दैट सी हैड बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 2000। नेक्स्ट है I had been waiting for 2 hours when you came, जो इसमें क्या देखना हमें, सुटेबल सेंटेंस ऑफ द गिविन सेंटेंस, सुटेबल सेंटेंस देख रहा है, तो कौन सा सेंटेंस है ये,
ये जो हैड बीन वेटिंग जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है इसका जो आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है वी सेल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स व्हेन यू गेट देयर, ये जो है क्या है फ्यूचर सेंटेंस है। तो ये थे हमारे जो हमने 3 पार्ट इसमें करे, जो कि इतना कुछ डिफाइन इसमें करने का नहीं था, और जो पार्ट बाकी हैं बाकी न्यूमेरिकल वाला है और अर्थमेटिक वाला जो है रीजनिंग वाला, वो हम उसको सॉल्व करेंगे उसके बाद अपलोड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।